बार बार बताया जा रहा है कि आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी। मेरा सवाल भैया ये कि बता रहे हो या डरा रहे हो? और मोदी जी, चुनावी मौसम है, लिहाजा तीर संभल के चलाइए, तीर का निशाना खुद पर ना हो। मिसाल आपके सामने है। आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। बताया जा रहा है कि आएगा तो मोदी ही, मगर भैया आकर करेगा क्या? या ये कहा जाए, आकर करेंगे क्या? हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि 5 साल हुए अच्छे दिन के, मगर 5 साल के बावजूद इस वक्त जो चुनावी कैंपेन चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा नकारात्मक बोल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। और ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है कि जब उपलब्धि के नाम पर आपके सामने सिफर हो, यानी जीरो हो, तब जाहिर सी बात है आपके जो बोल होते हैं वो नकारात्मक ही होते हैं, नेगेटिव ही होते हैं। हम आपको वो नेगेटिव बोल बताएंगे, मगर आज न्यूज चक्र में आपके सामने सबसे बड़ी पड़ताल कि प्रधानमंत्री बौखलाए क्यों हुए। वो इसलिए क्योंकि वो तमाम योजनाएं जिनके जरिए उन्होंने आपके दिल में जगह बनाई थी वो सब बिखर चुकी हैं। जी हां, मगर सबसे पहले प्रधानमंत्री के नकारात्मक बोल की ये मिसालें। सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। शायद उनके मन पर एक बोझ है अपने पिताजी के पाप का, बोफोर्स का, और उसको धोने के लिए सारी दुनिया पर पाप मढ़ने का पाप कर रहे। जो बात कांग्रेस का ढकोसला पत्र कह रहा है वो ही भाषा पाकिस्तान भी बोल रहा है। तो अब बारी है प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं को आपके सामने रखने का, और शुरुआत करने जा रहे हैं हम नमामि गंगे से। लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। मां गंगा ने मुझे बुलाया है, वाह क्या दर्द था, क्या ऐतिहासिक डायलॉग था, क्या डायलॉग डिलीवरी थी और क्या शानदार अभिनय था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब गोमुख से गंगा निकलती है और बे ऑफ बंगाल तक पहुंचती है तो वो करीब 2525 किलोमीटर का सफर तय करती है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस सफर के दौरान ये तीन चीजें होती हैं। पहली चीज, ऋषिकेश से ही इसमें प्रदूषण शुरू हो जाता है। दूसरी चीज, मुरादाबाद तक गंगा का पानी पीने लायक भी नहीं रहता। तीसरी चीज, कानपुर में आते आते इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भी खत्म हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि नमामि गंगा के तहत 113 बायो मॉनिटरिंग सिस्टम, या कहा जाए 113 बायो मॉनिटरिंग स्टेशन, वो भी देश के 4 राज्यों में लगाने का प्रावधान था। ये 4 राज्य कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। अब आप कहेंगे कि जब गंगा की इतनी बुरी हालत हो गई जिसकी मैंने आपके सामने 3 मिसालें दी, तो क्या ये 113 बायो मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए गए इन 4 राज्यों में? एक आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई कि कितने बायो मॉनिटरिंग स्टेशन। जवाब आपके सामने है। जी हां, एक भी नहीं, 0। तो मेरे सवाल ये कि आखिर क्यों? इसे हम लापरवाही माने या फिर गंगा के साथ विश्वासघात?
अब बात करते हैं कि गंगा की सफाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्रों ने कितना साथ दिया, और मित्रों से मेरा मतलब कॉरपोरेट जगत से। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री ने आपको याद होगा कहा था, एक बार कहा था कि जो व्यापारी होता है वो सैनिक से भी ज्यादा बहादुर होता है। यही नहीं, उन्होंने लखनऊ में एक बार कहा था कि मुझे इस बात की बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं कि व्यापारी या कॉरपोरेट जगत के दिग्गज मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो चलिए, मान लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि ये तमाम लोग आपके अच्छे दोस्त हैं, तो गंगा सफाई में कॉरपोरेट ने कितना साथ दिया? आरटीआई में सवाल पूछा गया। 12 अक्टूबर 2018 को दायर की गई याचिका में पूछा गया कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के अंतर्गत गंगा सफाई को लेकर कितने काम हुए। और जब हम गंगा सफाई की बात कर रहे हैं तो कौन से कामों की हम बात कर रहे हैं? गंगा ग्राम, वृक्षारोपण, घाट जीर्णोद्धार, शवगृह गृह निर्माण और नालों के बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जानकारी इस आरटीआई के तहत मांगी गई। तो क्या आप जानते हैं जवाब क्या मिला? जवाब यह मिला कि तमाम कॉरपोरेट जगत से सिर्फ 3 कॉरपोरेट हाउसेज ने बहुत ही लिमिटेड काम किया है। मुद्दा नंबर 2, गंगाग्राम, वृक्षारोपण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कोई भी परियोजना या प्रोजेक्ट सामने उभर कर नहीं आया। मुद्दा नंबर 3, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडोरामा बैंक ने कुछ घाट और शवागृह के निर्माण जरूर कराए मगर वो न के बराबर थे। इसके अलावा इंडसइंड बैंक ने 7 बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का जिम्मा जरूर उठाया मगर जैसे मैंने कहा ना, ये सब बहुत ही सतही था। और जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने गंगा के जरिए लोगों के जहन में, उनके दिलों में जगह तो बनाई मगर गंगा मैली रही। मगर क्या आप जानते हैं कि गंगा बेशक मैली रही मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रुतबा है, या ये कहा जाए गंगा मैली शमके मोदी। और वह हम किस लिए कह रहे हैं दोस्तों? क्योंकि 2014 से लेकर 2019 तक इस सरकार ने गंगा सफाई के नाम पर बहुत जबरदस्त पैसा खर्च किया, यानी कि विज्ञापन। और ये विज्ञापन कहां दिखाई दिए? न्यूज चैनल्स में, अखबारों में, जबरदस्त पैसा दिया गया। और तमाम जितने भी अभियान थे, इन अभियानों में चेहरा किसका था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब आरटीआई के तहत जो जानकारी हासिल हुई है उसके तहत क्या पता चला है कि 2014-15 में 2.04 करोड़ रुपए खर्च किए गए विज्ञापनों पे, 2015-16 में 3.34 करोड़ रुपए खर्च किए गए, 2016-17 में ये आंकड़ा डबल हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं ये वक्त था चुनावों का, और यहां खर्च हुए 6.79 करोड़ रुपए। 2017 में ये आंकड़ा डबल हो जाता है 11.07 करोड़ रुपए, और पिछले 8 महीनों में यानी कि 2018 के 8 महीनों में ये बढ़कर हो गया 13.23 करोड़ रुपए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीडिया ऐसे ही गोदी मीडिया नहीं बन गए, क्योंकि एक तरफ तो डर काम कर रहा था, सरकारी डर, और दूसरी तरफ विज्ञापनों की गंगा बहाई जा रही थी। ज्ञान की गंगा तो ये सरकार बहाती नहीं है, धन की गंगा जरूर बहाई जा रही थी, और इसी के चलते मीडिया के मुंह पर ताला जड़ गया। तो गंगा के नाम पर गंगा तो मैली रही मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चमकते रहे। और अब बात करते हैं गौ माता की। जी हां, गौ माता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सियासत तो बहुत करती रही मगर सवाल यह कि क्या गौ माता की दशा बेहतर हुई? बेहतर हुई तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक साख, क्योंकि वोट के नाम पर उसने भुनाया गाय को मगर हकीकत क्या है वो इन तस्वीरों से बयां होती है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि 2014 में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने शुरुआत की थी राष्ट्रीय गोकुल मिशन की। अब इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन का काम क्या था? इसका काम यह था
कि देसी गायों का संरक्षण हो, नस्लों का विकास हो और दुग्ध उत्पादन बढ़े। यही नहीं, गोकुल ग्राम की स्थापना की भी बात की गई और लक्ष्य था करीब 20 गोकुल ग्रामों का। मगर कितने गोकुल ग्राम स्थापित हुए यह हम आपको बताते हैं दोस्तों। 5 साल में 835 करोड़ रुपए जारी किए गए और सिर्फ 4, जी हां सही सुना आपने, सिर्फ 4 गोकुल ग्रामों की स्थापना हुई। और कहां कहां हुई यह भी हम आपको बताते हैं। यह हुई वाराणसी में, पटियाला में, मथुरा में और पुणे में, थतवाड़े में। सिर्फ 4 गोकुल ग्राम, जबकि 20 होने चाहिए थे। तो गाय के नाम पर सियासत जरूर, मगर गौ माता का क्या हाल हो रहा था वो आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, यहां पर जो गाय के नाम पर आश्रम बनाए गए थे, आप देख सकते हैं गायों की क्या बदतर हालत थी। गायों की लाशें जमीनों पर पड़ी हुई हैं। और क्या आप जानते हैं, ये तमाम आश्रमों के मालिक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नकारात्मक बयान इसलिए क्योंकि उनकी तमाम जो अहम योजनाएं हैं वहां डिलीवरी के नाम पर एक बहुत बड़ा जीरो है। यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कठुआ में थे, जम्मू कश्मीर के कठुआ में, और यहां पर उन्होंने दो बड़ी बड़ी बातें कही। सबसे पहले सुनिए वो कश्मीर पर क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस बेशक कश्मीरी पंडितों का नाम ले रही है, मगर ये चौकीदार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि कश्मीरी वापस कश्मीर लौट सकें। इसको लेकर काम भी शुरू हो चुका है। हम बाकायदा एक लॉ बना रहे हैं ताकि सिटीजनशिप दी जा सके तमाम इन फैमिलीज को और उन तमाम लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान के अत्याचारों का सामना कर रहे हैं और मां भारती में विश्वास करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कश्मीरियों के लिए दरअसल इस सरकार ने किया क्या है। जी हां, क्या आपने पिछले 5 साल में एक भी कश्मीरी पंडित को बसाया? और ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बसा? क्योंकि पिछले 5 सालों में हालात कश्मीर के बद से बदतर हुए हैं। क्योंकि पहले आप पीडीपी के साथ सरकार में थे और अब राज्यपाल शासन हो रहा है। इसी दौरान पुलवामा जैसा एक शर्मनाक हादसा हुआ जिसमें मेरे देश के 40 जवान शहीद हुए, जिस पर आप लगातार सियासत करते रहे। तो बद से बदतर कश्मीर के हालात हो गए और आप बात कर रहे हो कि कश्मीरी पंडितों को हम दोबारा बसाएंगे? हद हो गई साहब। यही नहीं, आप सुनिए कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बारे में प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। तीन तीन पीढ़ी पार से यहां पर कब्जा जमा के बैठे हुए अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार को कहना चाहता हूं, ये मोदी है न बिकता है, न डरता है, न झुकता है। तो प्रधानमंत्री, आप फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को गरिया तो जरूर रहे हैं, मगर थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। और मैं आपको याद दिलाता हूं कि मरहूम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ फारूक अब्दुल्ला बाकायदा 6 साल तक सरकार में थे। यही नहीं, महबूबा मुफ्ती के साथ भी आपने सरकार चलाई, वो महबूबा मुफ्ती जिसकी पीडीपी पृथकतावाद में भी विश्वास करती है। तो मेरा सवाल ये कि ये सियासत सुविधावादी नहीं होनी चाहिए। आपने इन दोनों परिवार के साथ वक्त बिताया, लिहाजा अब चुनावी मौसम में इन्हें गरियाने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, हम आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एक योजना की पोल खोल रहे हैं क्योंकि यह कहा जा रहा है कि आएगा तो मोदी ही, मगर जैसे कि हमने कहा ना, आएगा तो भैया करेगा क्या? और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नकारात्मक बोल हैं और हम आपके सामने एक एक योजना का एक्सपोजे रख रहे हैं। अब बारी है नारी सम्मान की। जी हां, याद है आपको निर्भया, वो निर्भया जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश था, वो निर्भया जिसको लेकर इंडिया गेट के सामने इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आई थी, वो निर्भया जिसकी सियासत पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में सवार हुई थी। और तब आपने कहा था कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार। मगर सवाल ये कि क्या निर्भय हुई औरतें? क्योंकि मैं तो इतना ही जानता हूं कि सबसे पहले
जिस कठुआ में आप रविवार को भाषण दे रहे थे, वहां पर आपने उस 8 साल की बलात्कार पीड़ित जिसे मौत के घाट उतार दिया था, उसके बारे में आपने प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोला। अलबत्ता आपके 2 लॉ मेकर्स, आपके 2 मिनिस्टर्स बलात्कार के आरोपियों के पक्ष में निकाली गई रैली में शामिल थे। नंबर 2, कुलदीप सिंह सेंगर, आपका अपना विधायक जिस पर बलात्कार का आरोप है, उसे अब तक पार्टी से बाहर नहीं निकाला गया है। नंबर 3, जब इस बलात्कारी बाबा राम रहीम को सजा मिली थी तो इसके बचाव में कोई और नहीं बल्कि ये शख्स साक्षी महाराज उतर कर आया था, जिसने कहा था, जिसने तोहमत जड़ दी थी बलात्कार की उन 2 पीड़ित महिलाओं पर। तो ये तो है नारी सम्मान का हाल आपके राज में। और जहां तक निर्भया फंड्स की बात की जाए दोस्तों, इसमें प्रावधान था करीब 3,600 करोड़ का, मगर क्या आप जानते हैं कितने पैसे जारी हुए? 979.70 करोड़ रुपए। इसमें से 825 करोड़ रुपए प्रमुख कामों के लिए आवंटित हुए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनवरी 2019 में केवल 2 राज्यों, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड ने एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम शुरू किया, जिसके तहत 112 नंबर शुरू किया गया ताकि इस नंबर पर महिलाएं कॉल कर सकें। और क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश गुजरात और झारखंड में यह योजना अब तक शुरू नहीं हुई है। तो आप खुद देख सकते हैं कि नारी सम्मान को लेकर मोदी राज में क्या हालत है। मगर हां, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा हुआ है। मित्रों का साथ और मित्रों का विकास तो बखूबी हुआ है। तेरे जैसा यार कहां, कहां ऐसा याराना, याद करे की दुनिया तेरा मेरा फुसाना। दोस्तों, न्यूज चक्र में आज हम आपके सामने हकीकत पेश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा वही दोहराव पैदा करने वाले मुद्दे, खटास पैदा करने वाले मुद्दों की तरफ क्यों बढ़ रही है। क्योंकि गवर्नेंस के नाम पर, डिलीवरी के नाम पर एक बहुत बड़ा शून्य है और उसे लगता है कि लोगों में खटास पैदा करके, लोगों में बंटवारा पैदा करके जो है वो जगह बना सकती है। मगर जागरूक तो आम जनता को होना पड़ेगा कि क्या आपको इसी नकारात्मक सियासत के चलते अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है, या फिर अपने जो हुक्मरान हैं उनकी जवाबदेही तय करती है, जैसे हम न्यूज चक्र में करते हैं। आप सबसे मेरी अपील कि आप इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।